हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो पा बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो गैस, आज आपको मैं पेज स्मूथ करना सिखाऊंगा, वो भी बहुत ही हार्ड। गैस, तो स्क्रीन में देख सकते हो गैस, इस फोटो का हम पेज स्मूथ करेंगे। देख सकते हो कितना बेकार सा पेज लग रहा है। और ये हमने जो कैमरे से शूट करवाया था गैस, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑयल पूरे में पसीने पसीने आ रहा है पूरे फोटो में। तो गैस, इसको सही कैसे करेंगे तो इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है गैस आज। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में घंटे का बटन है उस गाइस उसको भी ऑल में कर देना, ताकि मैं इस प्रकार की एडिटिंग वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो कुछ भी नहीं करना है गैस, आपको यहाँ से एक ऐप्स ओपन कर लेना है। तो मैं सब बताऊँगा आपको, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है मेरे भाइयों? तो आपको यहाँ से स्केच बुक ओपन कर लेना है, ये देखना गैस स्केच बुक। तो इसको ऑटोडेस्क एप्लीकेशन भी बोलते हैं और स्केच बुक भी बोलते हैं। तो इसको ओपन कर लेना है आपको। तो दोस्तों, हमने स्केच बुक ओपन कर लिया है, और ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, फाइनली यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर एड मैजिक इसमें क्लिक कर लेना है गाइस। यहाँ से आप इसको जैसे क्लिक करोगे ना, आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी, और आपको यहाँ थ्री डॉट में चले जाना है गाइस। और थ्री डॉट में जाने के बाद यहाँ से आपको गैलरी में ओपन कर लेना है, ये देख दो गाइस यहाँ पर फोटो, तो इसमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मेरा फोटो आ चुका है। यहाँ पर ये रहा गाइस, देख सकते हो ये रहा यहाँ पर। मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ, और इसमें क्लिक करने के बाद फाइनली आपको यहाँ से राइट कर देना है, ठीक है दोस्तों? राइट करने के बाद फोटो को थोड़ा जूम कर लेना है, और जूम हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है दोस्तों। और यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर लेयर बना लेना है एक, यहाँ पर देखना है प्लस वाला आइकन में क्लिक कर लेना है। और जैसे प्लस वाला आइकन में क्लिक करोगे, यहाँ पर व्हाइट वाली लेयर ओपन हो जाएगी, देखो ठीक है? तो लेयर ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, फाइनली यहाँ जाना है कलर्स में। कलर में जाने के बाद यहाँ से गाइस आपको येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है, हल्का सा येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, फिर यहाँ से आपको येलो कलर ले लेना है इस प्रकार, ठीक है? येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कट में क्लिक कर देना है। यहाँ पर कट वाला आइकन देखने के लिए मिलेगा आपको नीचे की तरफ, तो यहाँ से आपको कट कर देना है, ठीक है दोस्तों? कट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर यहाँ जाना है हमको, ब्रश भी ले लेना है। तो यहाँ जाना है आपको, और यहाँ जाने के बाद गैस हमारा ब्रश पहले से सिलेक्ट हो रहा है, तो आपको कुछ कुछ भी नहीं करना है गैस। अगर आपके फ़ोन के ऐप्स के अंदर लाइब्रेरी ओपन नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज़ आप लाइब्रेरी ओपन कर लेना है। और लाइब्रेरी ओपन करने के बाद इस प्रकार ब्रश आएंगे आपके सामने, तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। और नीचे आ जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप के ब्रश देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर चार नंबर होगा गाइस, जो चार नंबर है ना, इसके जस्ट नीचे वाला ब्रश है ना, ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? मैं आपको इस प्रकार समझा रहा हूँ गाइस, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, मैं फिर से चिन्ह लगा रहा हूँ, और आपको फिर यहाँ पर सेटिंग में क्लिक कर देना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको तो पूरा शो रख लेना है, ठीक है? और इसको मेरे भाइयों इसको रख लेना है, अभी आपको इसको रख लेना है। तो मेरे भाइयों अभी तो इसको रखना है, 30 पॉइंट कर लेना है इसको, ठीक है? 30.1 कर लेना है या 2 कर लेना है, ठीक है? और फिर यहाँ से कट कर देना है, ठीक है मेरे भाइयों? यहाँ से कट कर देना है, और कट करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, फोटो को जूम कर लेना है, जितना जूम हो सके उतना जूम कर लेना, और कुछ इस प्रकार से अपने पेज के ऊपर, ओनली पेज पेज के ऊपर इस ब्रश को चला लेना है दोस्तों, ठीक है? मैं जिस प्रकार चला रहा हूँ पेज के ऊपर, पूरे पेज के ऊपर आपको पिंट कर लेना है, ठीक है? इस प्रकार पिंट कर लेना है, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं होगा इस। तो आप इस प्रकार पिंट कर लेना है, आपको अच्छी तरीके से पिंट करना है अपने पेज के ऊपर गाइस, ठीक है? जूम कर लेना है, और जूम करने के बाद अगर आप ब्रश की साइज को छोटा कम ज़्यादा करना चाहते हो ना, तो आप यहाँ चले जाना है दोस्तों। यहाँ जाने के बाद आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ये भी ऊपर वाली लाइन है ना इसको, ठीक है? तो मैं कम ज़्यादा नहीं करूँगा, तो मैं इस प्रकार कर लेता हूँ पेज के ऊपर, क्योंकि गाइस आज मैं बहुत ही हार्ड पेज बनाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ करने वाला हूँ, जिस प्रकार आज न्यू ट्रिक है गाइस, ये बिल्कुल न्यू ट्रिक है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा गाइस, तभी आप बहुत ही अच्छी तरीके से पेज बना पाएंगे। तो देखते हो मेरे भाई, ओवर हाँ पेज कहाँ हो गया यार, देख गायब हो चुका है। बट आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है, हमने जहाँ लेयर बनाई थी वहाँ जाना है, और जिन लेयर बनाई थी तो आपको यहाँ पर व्हाइट वाली लेयर इसमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड नॉर्मल देख लेना, यहाँ पर इसमें क्लिक कर लेना है। आपको इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, और आपको यहाँ पर
ये देखेगा हार्ड लाइट या सॉफ्ट लाइट, तो आपको हार्ड लाइट में क्लिक कर देना है, इसमें क्लिक करना है ना, ठीक है, हार्ड लाइट में क्लिक कर देना है। और यहाँ से तीर वाले आइकन में जाके यहाँ से बैक चले जाएंगे। बैक चले जाने के बाद ये ऊपर वाली लाइन है ना, इसको रख लेना है अभी। तो सॉरी गाइस, आपको कुछ यहाँ जाना है, मैं एक बार और बता रहा हूँ, फिर ब्लेंड वाली इसमें जाना है, ब्लेंडिंग में। और आपको यहाँ पर हार्ड लाइट में क्लिक नहीं करने का दोस्तों, इसमें क्लिक नहीं करने का, ठीक है। जो ऊपर वाली सॉफ्ट लाइट है ना, इसमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीर वाले आइकन में जाने के बाद ये लाइन है ना गाइस, इसको कम ज़्यादा कर लेना है। तो इसको रख लेना है अभी, इसको 70 या 73 कर लेना है दोस्तों। और फिर यहाँ पर क्लिक कर लेना है आपको, यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसको तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस इसको। और जो नीचे नीचे वाइट वाली लाइन है ना, इसको बढ़ा लेना है गाइस, ठीक है। इसको जैसे ही बढ़ाया, देख कितना अच्छा पेश हो चुका है। जो ये नीचे वाली लाइन है ना लाइट, तो इसको पूरा शो कर देना है इधर, ठीक है। और इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बीच वाले को, इसको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको ये ऊपर वाली लाइन है ना, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। और जो नीचे वाली है ना, इसको पूरा शो कर लेना है इस वाली को, ठीक है मेरे भाइयों। फिर इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डन वाला आइकन देखने को मिलेगा, तो डन कर देना है। और डन करने के बाद देख सकते हो यार, पेज बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका है, बट अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, तो अभी हमने वो काम भी करना है गाइस। तो आपको फिर से यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ जाना है आपको। एक बार यहाँ जाने के बाद आपको ये जो लेयर बनाए थे ना गाइस, इसमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मर्च आल, तो इसमें क्लिक कर देना है, ये वो मर्च हो जाएगा गाइस, क्योंकि हमने जो लेयर बनाए थे वो इसमें मिक्स हो चुकी है। तो आपको फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद हमने जो ये ब्रश लिया था ना गाइस, तो आपको लाइब्रेरी ओपन कर लेना है। तो सॉरी गाइस, थोड़ा गला ख़राब है यार, तो उसके लिए सॉरी। तो आपको ब्रश दूसरा चेंज करना है गाइस, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, स्कोर करके ऊपर की तरफ आ जाना है गाइस। और हम न्यू ब्रश लेंगे आज पेस स्मूथ करने वाला, ये देख लेना गाइस, इस टाइप का कोई ब्रश होगा। यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, सॉरी गाइस, आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ यार, ताकि आपको बहुत अच्छा लगे यार। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर से यहाँ ये वाला ब्रश ले लेना है। और यहाँ पर देख लेना गाइस, यहाँ पर कुछ नहीं है यार, यहाँ से आपको 1 2 3 4 चौथे नंबर में ये रहा, हमने गोल लगा दिया। ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मेरे भाई, आपको यहाँ पर सेटिंग में क्लिक कर देना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना जरूरी है गाइस, यहाँ देख लेना आप, यहाँ क्लिक कर लेना है आपको। यहाँ क्लिक करने के बाद जो तीसरे नंबर वाला है ना गाइस, ये सिलेक्ट कर लेना है आपको, और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको राइट वाला आइकन देखने में मिल जाएगा, राइट हो गया, ठीक है। फिर आपको यहाँ से लाइब्रेरी में क्लिक कर लेना है, फिर से लाइब्रेरी में क्लिक कर लेना है, ठीक है। लाइब्रेरी में क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे हम बैक आ जाएंगे। और एक बार आपको सेटिंग में क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमको सेटिंग करना भी पड़ेगा। तो सेटिंग में क्लिक कर लेना है दोस्तों, और इसको रख लेना है गैस 1, और इसको रख लेना है 1, ठीक है। और इसको रख लेना है अभी 40 पॉइंट या कर लेना, ठीक है, इसको 40 पॉइंट कर लेना है अभी, 40 पॉइंट कर लेना है जी दोस्तों। 40 पॉइंट करने के बाद आपको यहाँ से कट कर देना है, कट कर देना है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। वो जूम करना है अपने फोटो को, और इस प्रकार से अपने पेज के ऊपर ब्रश को चला लेना है। देखते हो गाइस, स्मूथ हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो इस प्रकार ब्रश को अच्छी तरीके से पेज के ऊपर चला लेना है, तो देख ही सकते हो यार, बहुत अच्छी तरीके से पेज हो रहा है हमारा। तो इस प्रकार आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है दोस्तों, जल्दीबाजी करोगे तो आपका फोटो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं करने का आपको, हल्के हल्के हाथों से पेज के ऊपर ब्रश को चला लेना है। और देखिए गाइस, एक ही लेवल में हमारा पेज स्मूथ हो रहा है, तो इस प्रकार आपको पेज स्मूथ करना है। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर कितना ऑयल हो रहा है, देख सकते हो गाइस, ये सब मर्च हो जाएंगे, इस प्रकार कर लेना है आपको, तो सब ये हट जाएंगे, इस प्रकार करना है मेरे भाई। और कुछ भी नहीं है यार, ज़्यादा सिंपल सा तरीका है बस यार, बहुत ही सिंपल सा तरीका है पेज स्मूथ करने का। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार पेज को अच्छी तरीके से बना लेना है यार, एक एट्रैक्टिव लुक लगेगी गाइस पेज को अच्छी तरीके से बनाने में। तो आपको कुछ भी नहीं कहना है इस प्रकार में, जिस प्रकार ब्रश को चला रहा हूँ। तो गाइस, ये यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस, यहाँ आपको तो हम ब्रश को थोड़ा साइज़ को छोटा करेंगे गाइस। तो आप गाइस एक बात बता दो गाइस, आप साइज़ को यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से बिंदु दिखेगा छोटा वाला, इसमें क्लिक करना। और जी ये ना, इसको इधर खींचना, इधर, ठीक है। और अगर इधर खींचोगे आप,
तो इधर बड़ा होगा, इधर इसी इधर खींचोगे छोटा होगा, तो इधर कुछ छोटा कर लेना है, ठीक है। और छोटा करने के बाद कुछ इस प्रकार से ब्रश को चला लेना है गाइस, देख सकते हो पेस्ट स्मूथ ये हो रहा है ना स्मूथ, तो इस प्रकार से छोटा भी कर लेना है। बट आप समझा हम नहीं आए ना मेरे भाइयों, तो आप यहाँ जाके भी कर सकते हो यार, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर वाली लाइन है, इसको छोटा कम ज़्यादा कर सकते हो, ये बड़ा देखो इधर इधर चलकाएंगे तो बड़ा, इधर चलकाएंगे तो कम, तो इसको कम करूँगा और कट कर लूँगा और जूम करके इस प्रकार से स्मूथ कर लेता हूँ। तो आप फाइनली देख सकते हो गाइस स्मूथ बहुत ही अच्छी तरीके से, स्मूथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका है यार दोस्तों। और आपको कुछ भी नहीं, अगर आप लिप्स भी लगाना चाहते हैं अपने होठों के ऊपर तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने जहाँ पर लेयर बनाई थी गाइस यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर प्लस में क्लिक कर लेना है, फिर व्हाइट वाली लेयर ओपन हो जाएगी, ठीक है। और जो भी ना फिर आपको ऐसे कलर सेलेक्ट कर लेना है, आपको इतना समझ में आएगा वो गाइस कि वो आप रेड कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इस प्रकार एक गोल गोल बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल यूज करना है रेड कलर की तरह, देखो गाइस इसको कलर में व्हाइट कैरी करूँगा तो व्हाइट आ जाएगा और इसको रेड कलर की तरफ करूँगा तो रेड आ जाएगा, रेड आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे कट कर लेना है, लेकिन एक बार दोस्तों चेक कर कट कर लेना है, कट वाला आइकन नहीं मिलेगा आपको हर बार, तो यहाँ से कट कर देना है और कट करने के बाद कोई गाइस बुक चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ जाना है, जाने के बाद आपको लाइव ओपन कर लेना है गाइस, क्योंकि ग्रुप रेट और आइकन हो गया तो आपको ये ग्रुप ले लेना है, हमने जो स्क्रिप किया था ना गाइस तो आपको ये पेंट किया था ना ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में क्लिक कर लेना है, सेटिंग में क्लिक करने के बाद मेरे भाई इसको शो रख लेना है और जो ऊपर वाली लाइन है ना इसको रख लेना है आपको 7 पॉइंट कर लेना है, 7.5 कर लेना है और यहाँ से फिर कट कर देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस एक ही बात की कट नहीं आपको समझ में आ जाएगा, इस प्रकार जूम कर लेना है और अपने फोटो के ऊपर लिप्स लगा लेना है, तो मैं इसको थोड़ी साइज़ को बढ़ा कर लेता हूँ और इस प्रकार अपने फोटो के ऊपर लिप्स लगा लेना है। तो देखते हो गाइस फोटो के ऊपर इस प्रकार लिप्स लगाना है आपको, बहुत ही ईजी तरीका है गाइस, बहुत ही अच्छा तरीका है गाइस ये, तो इस प्रकार आपको लिप्स लगा लेना है यार मेरे भाई अच्छी तरीके से जूम करके फोटो को। तो देखते हो गाइस फाइनली लिप्स लग चुकी है हमारे फोटो के ऊपर, और लगने के बाद फोटो को इस प्रकार रोटेट कर लेना है और आपको क्या यहाँ जाना है, हमने जहाँ लेयर बनाई थी ना वहाँ पर, और फिर व्हाइट वाली लेयर है ना इसमें क्लिक कर देना है, इसमें जैसे क्लिक करूँगा आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर फिर से उसमें जाना है, यहाँ पर ब्लेंडिंग नॉर्मल तो इसमें क्लिक कर देना है, इसमें क्लिक करने के बाद फिर वही आपको यूज करना है गाइस यहाँ से सॉफ्ट लाइट, इसमें क्लिक कर लेना है, इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीर वाला आइकन देखने को मिलेगा कोने के ऊपर, तो तीर में जाके और ये जो ऊपर वाली लाइन है ना इसको कम कर लेना है आपको दोस्तों, इसको देखो गाइस यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो इसको मैं इतना रख लेता हूँ, इसको 50 कर लेता हूँ या 54 या 57 कर लेता हूँ इसको गाइस, ठीक है, फिर कट कर देता हूँ। और देखते हो मेरे भाई कितना अच्छा एक्टिव लुक लग गया है फोटो के ऊपर। तो गाइस फाइनली देखते हो बहुत ही अच्छी तरीके से पेस्ट हो चुका है, ये पहला स्टेप था हमारा। और दूसरा स्टेप था यहाँ पर जाएंगे हम 3 डॉट में और इस फोटो को शेयर कर लेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ से नीचे में क्लिक कर लेना है और इसको शेयर कर लेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि गाइस लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर हम बैकग्राउंड में कलर भी करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएंगे फोटो को, तो लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर करना है आपको। मैंने शेयर कर लिया है और मैं बैक चले जाता हूँ, ओपन कर लेता हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन। तो फाइनली दोस्तों हमारा फोटो आ चुका है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, तो इसको जूम कर लेना है आपको, जूम करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ बहुत सारे टूल्स देखने के लिए मिलेंगे तो आपको स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर कलर्स वाला टूल्स देखने के लिए मिलेगा कलर, तो कलर में क्लिक कर लेना है, कलर्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिक्स में क्लिक कर लेना है, तो मिक्स में जैसे क्लिक करोगे ना गाइस तो आपको यहाँ से फर्स्ट वाला कलर है ना ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी फर्स्ट वाला कलर सेलेक्ट है तो इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, इसको देखो गाइस फोटो में लिप्स में देखो गाइस कलर आ रहा है ना, तो मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, सॉरी गाइस माइनस करना है इसको, और इसके नीचे वाले को थोड़ा इसको भी माइनस करना है, -15 कर लेना है। फिर आपको फाइनली यहाँ से दूसरे नंबर वाला कलर है ना सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद जो दूसरे नंबर वाली लाइन है इसको थोड़ा माइनस कर लेना है, -15, और इसके नीचे वाले को थोड़ा प्लस कर लेना है, +31। तो जैसे प्लस किया कितना अच्छा चमक आ चुका है पर पेज के ऊपर बिफोर एंड आफ्टर। और फिर आपको यहाँ से ये वाला कलर सेट करना है दोस्तों, ठीक है, ये ग्रीन, तो इसको आपको इधर कर लेना है, इधर पूरा शो कर लेना है, इससे बैकग्राउंड में कलर आ चुका है और इसको भी पूरा शो कर लेना है। और जो नीचे वाला है ना इसको थोड़ा माइनस कर लेना है, -50 कर लेना है इसको, ठीक है गाइस, -50 कर लेना है इसको,
इसको माइनस 50 कर लेना है, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद गाइस आपको ये वाला कलर सेट करना है, ठीक है। इससे गाइस हमारे कपड़ों में देख सकते हो गाइस कपड़ों में कलर आ रहा है, तो आपको जैसा कपड़ों में कलर अच्छा लगे ना मेरे भाई वो रख लेना। तो हमको ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको 15 कर लेता हूँ, इसके नीचे वाले को पूरा शो कर लेता हूँ, ठीक है मेरे भाइयों। इतना हो जाने के बाद यहाँ से मैं डन में क्लिक कर लेता हूँ, और डन में जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार फिर इंटरफेस ओपन हो जाएगा लाइन। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, और नीचे से ऊपर की तरफ जो दूसरे नंबर वाली लाइन है इसमें क्लिक कर देना है आपको, ये दूसरे नंबर वाली लाइन है इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा बढ़ा लेना है आपको, इसको बढ़ाना है गाइस आपको इसको 56 कर लेना है, ठीक है गाइस। 56 करने के बाद बैक आ जाएंगे, और देख सकते हो गाइस यार बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा फोटो हो चुका है। फिर आपको यहाँ आपको लाइट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, लाइट में क्लिक कर देना है आपको। लाइट में क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ से वाइट्स है ना वाइट्स को आप थोड़ा माइनस कर लेना है गाइस, और ब्लैक्स को थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है दोस्तों। वाइट्स को रखना है आपको 60, ठीक है। और इसके नीचे वाले को 12 कर लेना है, और ऊपर शेडोज को आपको इसको भी बढ़ा लेना है, इसको रख लेना है आपको 12 प्लस कर लेना है। और हाईलाइट को कुछ नहीं करना है, और कंट्रास्ट को आपको इसको भी बढ़ा लेना है, कंट्रास्ट को 7 प्लस कर लेना है, ठीक है दोस्तों। 7 प्लस करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाएंगे, और आपको स्क्रॉल करके इधर आ जाना है, और आपको यहाँ पर डिटेल्स वाला ऑप्शन देखने में मिलेगा, डिटेल्स में जाना है मेरे भाइयों। और डिटेल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट में देखने में मिलेगा शार्पिंग, तो शार्पिंग को आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर लेना है, ये रहा फर्स्ट में शार्पिंग, तो इसको इंक्रीज़ कर लेना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है, इसको थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर लेना है, और 34 प्लस कर लेना है। और यहाँ से आपको डिटेल्स भी मिल जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। और आपको यहाँ पर मार्क्सिंग इसको थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है, ठीक है मार्क्सिंग इसको थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है, और इसके नीचे वाले को ना इसको 40 कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। 40 करने के बाद इसके नीचे डिटेल्स को कुछ नहीं करना है, और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, और नीचे की तरफ आओगे ना जो नीचे से तीसरे नंबर वाली लाइन है ऊपर, तो इसको बढ़ा लेना है 20, और ये दोनों को आपको कर लेना है पूरा शो रख लेना है, डिटेल्स को भी शो रख लेना है, और स्मूथ को वाले को भी शो रख लेना है। और इतना हो जाने के बाद देख सकते हो फाइनली फोटो एक एट्रैक्टिव लुक लग रही है, देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर। तो इतना हो जाने के बाद फाइनली फोटो एडिट हो चुका है, आप ही देख सकते हो गाइस फेस कितना अच्छा स्मूथ हो चुका है, जो हमारा रियल फेस है ना गाइस वो भी मैं बता दूँ तुमको, ये कुछ इस टाइप का था, देखो सॉरी गाइस मैं बेक आ जाऊँगा, इस टाइप का था देख सकते हो गाइस, और हमने फेस को इस प्रकार बना दिया। तो इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ से शेयर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद इस फोटो को फाइनली आपको गैलरी में सेव कर लेना है, यहाँ से सेव डिवाइस में क्लिक कर लेना है, और यहाँ से ओके में क्लिक कर देना है, सीधा गैलरी में सेव हो जाएगा। तो थोड़ी देर वेट करना है गाइस, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, तो यहाँ पर ओके वाला चिन्ह आएगा, तो इसमें ओके में क्लिक करना है, सीधा गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना गाइस, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ आपको पता है गाइस, क्योंकि फ़ोटो एडिट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो वैसे कोई बात नहीं है गाइस, आपको पता है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके, और पास में भी नोटिफिकेशन ऑल में कर देना। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो का, जब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।